हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं टारगेट वीक फोर सीएचएसएल टारगेट वीक फोर का जो असाइनमेंट था ट्रिगोनोमेट्री का, इस असाइनमेंट का हम जो भी आपके द्वारा डाउट पूछे गए उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट फोर में था, जिसमें कुछ करेक्शन भी हुए हैं। और आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मॉडिफाइड फाइल है जिसमें करेक्शन सही कर दिया गया है, उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में आपको मिलेंगे बिग फाइव के असाइनमेंट। बिग फाइव का जो असाइनमेंट है, जो पांचवें सप्ताह का जो टारगेट है आपका, उसका जो असाइनमेंट है उसमें अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन है। एक सिंगल टॉपिक है अलजेब्रा, और इसके सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बिग फाइव के असाइनमेंट में। तो आपको ये भी बनाना है और आज इसका सोल्यूशन भी देखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको दिक्कत हुई थी। कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैंने नोट डाउन कर रखा है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा आपको हम ही बताएंगे कि अलजेब्रा में जो आपको पढ़ना है, जिस चीज पे फोकस करना है आपको अभी ज्यादा, वो क्या क्या टॉपिक पर किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं अलजेब्रा में। तो उसके पहले देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू से। जो क्वेश्चन नंबर टू है वो देखिए क्या कह रहा है, इसमें करेक्शन किए गए क्वेश्चन में। आप देखिए फाइल में करेक्शन क्या है। क्वेश्चन है 1 - 1 - sin θ - 1/1 + sin θ, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 sec θ। और आपको बोल रखा है जो थीटा है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मतलब ना 0 डिग्री है ना 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में है। आपको बताने 3 cos θ + cos 1θ का वैल्यू क्या होगा, आपको इसके वैल्यू बताने हैं। देखिए क्या करेंगे, आप कैसे क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे आए हुए हैं, थोड़ा सा ट्रिक बताने, शॉर्टकट बताने। तो जहां शॉर्टकट नहीं होता वहां हम कैलकुलेशन जरूर शॉर्टकट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कैलकुलेशन आपको हर एक सवाल में शॉर्टकट करना होगा, कैलकुलेशन में आपको टाइम बचाना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे सवाल जो ट्रिकी होते हैं ना, उसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर क्या बच जाएगा 2 sin θ, और नीचे क्या बच जाएगा 1 - sin²θ, मतलब cos²θ, और इधर आपको 4 cos θ। cos θ कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर आ गया, आपको पता चल गया tan θ क्या हो गया, 2/1। आप एक स्टेप निकाल लिए। अब आप देख रहे हैं cos θ मैंने क्यों कैंसिल किया, इसलिए कैंसिल किया कि थीटा जो है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री तभी तो जीरो होगा, ये जीरो हो ही नहीं रहा, मतलब ये रियल नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो फंक्शन को डिफाइन किए हुए है। मतलब अगर थीटा 90 होता, अगर ये नहीं बात रहती, तब हम थीटा की वैल्यू 90 भी लेते, मतलब कॉस थीटा काट नहीं सकते थे। कॉस थीटा काटने का मतलब कॉस थीटा जीरो नहीं है, मतलब थीटा 90 के बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ काट दिया। अब आप ये बताइए कि 3 × tan cot θ, तो tan अगर 2 है तो cot कितना हो जाएगा, 1/2। cos²θ के लिए क्या आप करते हैं, हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर लंब, तो आप बताइए P कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, मतलब √5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 + √5/2। देखिए आपने कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा दिमाग में किया, थोड़ा सा फास्ट किया, तो आपको पता चला 2 स्टेप का सवाल क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपके सामने, इस क्वेश्चन में भी करेक्शन किए गए हैं, लगातार 2, 3, 4, 5 इतने सारे क्वेश्चन है जिसमें करेक्शन है। एक्चुअली करेक्शन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया था कि बहुत सारे जगह पे जो एंगल 2θ है वो स्क्वायर थे, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। देखिए sin θ - cos θ जो होता है, और cos θ - sec θ होल डिवाइडेड बाई, आपको यहां पे पहले से tan 2θ था, और लेकिन ये tan स्क्वायर है, और यहाँ sin 2θ था, लेकिन एक्चुअली ये sin स्क्वायर है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है r³। अब आपको ये सॉल्व कर लेंगे आप, और मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखिए sin - cosec, अब ध्यान दीजिए cosec को 1/sin लिखेंगे, तो sin² एलसीएम लेने के बाद sin² - 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos² है, नीचे क्या हो जाएगा, sin। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosx² - 1 - sin² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos। ये cos इसके साथ गया, ये sin इसके साथ गया, मतलब ऊपर वाले को आप sin θ और cos θ के रूप में लिख लिए, क्लियर।
नीचे वाले को आप देखिए टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर इसको साइन के रूप में लिखेंगे साइन स्क्वायर, समझिएगा बात को, अगर इसको साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो इसमें इसमें साइन स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा वन बाई कॉस स्क्वायर माइनस वन, एलसीएम लेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे जो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर। अब देखिए ऊपर साइन एक से कट गया तो नीचे कितना साइन बच गया तीन, और ऊपर कॉस कितना बच गया तीन, और ये आर क्यू दिया हुआ, मतलब आर कितना हो गया कॉस बटा साइन, डायरेक्टली लिख दें कॉट थीटा। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आपको सिंपल हुक करने होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप बचाने का मतलब होता है कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा फास्ट चले। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास फोर है, अब फाइव में देखिए क्वेश्चन कौन से क्या आपके पास है, दिया हुआ आपको साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू दो बटा तीन दे रखी है आपको। क्वेश्चन में एक बात कर रखा है कि जो थीटा है वो जीरो से नब्बे के बीच में है, तो आपको बताना टेन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, इतना सा सवाल है, बनाइए इसको क्या होगा। देखिए साइन थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, आप इसको क्या करेंगे, आप यहां से साइन थीटा मैंने थ्री गुना कर दिया, यहां कॉस नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं टू माइनस टू साइन स्क्वायर, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, तो टू साइन स्क्वायर क्या हो गया इधर चला आया प्लस थ्री साइन माइनस टू बराबर जीरो। आप देखिए यहां से यहां क्या हो गया, गुणनफल कितना हो गया माइनस चार, आपको दो नंबर निकालने हैं जिसका सम हो जाए थ्री और गुणनफल माइनस चार, तो आप कहेंगे चार और माइनस एक, कहेंगे देखिए दो से डिवाइड करेंगे जब तो एक से बड़ा या माइनस एक से छोटा होगा उसको हम नहीं लेंगे, और इसका वैल्यू क्या होगा साइन चेंज करेंगे, मतलब ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया किसकी साइन की, मतलब ये पी हो गया और ये एच हो गया। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से मैं बी की वैल्यू आपसे पूछूंगा तब जल्दी से बोल देंगे रूट थ्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इसलिए इस फॉर्म में लिखा हूं ताकि आपको ये यहाँ पे देखिए टेन क्या होता है पी वाई एच, वन बाई थ्री का रूट, रूट थ्री कितना हो जाएगा स्क्वायर में वन बाई थ्री, और कॉस क्या होता है पी वाई बी, हाँ कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा थ्री बाई फोर, आप देख लीजिए नौ चार तेरह बटे कितना गया बारह। कॉस टेन में थोड़ा सा टफ होता है निकालना, आप अभी आपको एक चीज बताऊंगा इस पूरे वीडियो के एंड में कि मैं आप देखेंगे नोटिस अगर कर रहे होंगे तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बना रहा हूं, अभी तक मैंने सिंगल फॉर्मूला यूज किया है जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर फाइव है, आप देखिए स्क्रीन पर, आप देखिए फाइल में देखिए क्वेश्चन क्या है, करा कॉट थीटा का वैल्यू रूट सिक्स है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना बोल रखा है रूट सिक्स, और हमसे पूछ रहा है कॉस एक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कॉस एक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, कॉस एक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें छोटा करना है इसका सोल्यूशन, आपको आपको जल्दी बनाना है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज बताइए मुझे कॉट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर रूट सिक्स, कॉट की वैल्यू कितनी है रूट सिक्स, आप मुझे बताइए कॉट की वैल्यू रूट सिक्स है तो कॉट स्क्वायर आपसे बोलूंगा तो आप कह देंगे छे, कहेंगे कि नहीं, आप देखते जाइएगा क्या हो रहा है। कॉट को आप क्या लिखेंगे कॉस एक स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर, यहां पे आप थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए कॉस एक को आप क्या बोलेंगे कॉस बटा साइन स्क्वायर में है तो आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं इसको एक बटा साइन ऐसे कर दीजिए और एक बटा कॉस इसको ऐसे कर दीजिए, मतलब ऊपर क्या लिख दीजिए कॉस एक स्क्वायर और नीचे लिख दीजिए सेक स्क्वायर, अब समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही आप ये समझ गए कि आप इसको ये लिख सकते हैं तो देखिए इसी का सी एन डी लगा कर ये दिया हुआ है आपको सी एन डी लगा कर दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या कीजिए ये कॉस नहीं है कॉस एक ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है इस पे सी एन डी सिर्फ लगाना है, तो आप बताइए इसी की तो वैल्यू आपने छह निकाल कर रखी है तो छह प्लस वन बटा छह माइनस वन कितना गया सात बटे पांच, क्लियर।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा है cos x की वैल्यू जो है -1/2 है। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। आपको दिया हुआ जो x है पाई से लेकर 3π/2 के बीच में है, मतलब 270 से छोटा और 180 से बड़ा है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 2 tan square x प्लस 3 cos square x का वैल्यू क्या होगा। आप एक चीज मुझे बताइए, cos x की वैल्यू -1/2 है, तो कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने आता है, कभी भी आता है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहां से एंगल निकालिएगा, और एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहां का लेना है। अगर यहां पे 3/4 रहता तो मैं एंगल निकालने की बात नहीं करता। एंगल कब निकालेंगे, जब आपका 0, 30, 45, 60, 90 इसी तरह का एंगल इसका वैल्यू यहां दिया हो रहता है, तो आप देख रहे होंगे 60 डिग्री का वैल्यू दिया हो रहा था, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है, ये साइन को हटाकर पॉजिटिव वैल्यू को लेकर एंगल निकालना है 0 से 90 के बीच में इसका एंगल क्या होगा। हम नेगेटिव पे आएंगे, ये नेगेटिव का क्या मतलब है उस पे आएंगे, लेकिन आप देखिए कि अगर इसके कारण कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू चेंज करता है, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें और बाकी किन्हीं चीजों से मतलब नहीं, आपको पता चल गया 60 है, आप 60 डायरेक्टली यहां डाल दीजिए। cos 60 कितना होता है, 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 2 हमारा दिया हुआ था, यहां 3 दिया हुआ है। आप बताइए क्या है, cosec है, तो cosec का एक बार मैं देख रहा हूं, cosec है तो cosec स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर का उल्टा, sin 60 कितना होता, तो कहेंगे √3/2, इसका उल्टा कीजिए 2/√3 स्क्वायर कीजिए 4/3, 3 से 3 कटा और कितना आ गया 14/3। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या मेरे से, हाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहां tan क्या बताया था मैं, tan 60 √3 होता है ना, 1/√3 बोल दिया था, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 10। तो आपने देखा कि यहां पे इस नेगेटिव का कोई यूज नहीं है, जब मैं ट्रिगोनोमेट्री में लेकर आ रहा हूं, शायद प्रोबेबली इसके एक दो वीडियो बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये बताई गई है कि साइन का यूज कहाँ पे है और साइन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरे अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बताया गया, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके सामने, बोल रहा 12 cot square theta -31 cosec theta प्लस 32 का वैल्यू दिया हुआ 0, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। और इस क्वेश्चन के लिए भी मुझे बोला गया शॉर्ट बताने के लिए, देखिए इसमें शॉर्ट सबसे इजी, देखिए शॉर्ट आपको लंबा कहां पे होता है, आप एक स्टेप के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉसेक कॉट दिया हुआ और कॉसेक दिया हुआ, आपको पता है इसका फॉर्मूला एक होता है, और आपको ये भी पता है कि कॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो कॉट को रिप्लेस कीजिए, क्या लिख दें, डायरेक्टली लिख दें, यहाँ पे क्या होता है कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर -1, -12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आप देख लीजिए, -12 हो जाएगा, तो इतना बच जाएगा, आपको सिर्फ इसको फैक्टर करना है, 240 है, 240 आ रहा है, दो फैक्टर आप निकाल लीजिए, 25 6 कितना होता है 150, 6 दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कितना फैक्टर आ जाएगा इसका, 3 ले लेते हैं, 4 3 और 5 15 4 और 4 16 आ गया। तो ये जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सिर्फ वो दो नंबर पता कीजिए, वो सिर्फ दो नंबर पता करना है, आपको पता है दोनों नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कसम क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों नंबर नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होना है। जैसे ही आपको सिर्फ नंबर निकालते हैं, आप इसको डिवाइड कीजिए 12 से, हमेशा साइन चेंज कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट है, किसका वैल्यू है, ये कॉसेक का वैल्यू है, कॉसेक की वैल्यू ये है,
अब खुद बताइए कितना आ गया 4/3 और यहाँ से कितना आ गया 4/5। कहने का मतलब कि साइन की वैल्यू क्या होगी, तो 3/4 या फिर 3/5, 4/5। यहाँ पे आपको एक स्टेप सिर्फ ये यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना, फिर फैक्टर करना, सीधा जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कोसेक थीटा बराबर 3x, और आपको बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर 3/x, देन द वैल्यू ऑफ 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये तो आप बना सकते हैं बड़े आराम से। आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो आप मुझे बताइए इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड माइनस कर देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 1 और इधर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 9y x स्क्वायर। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। आपको यहाँ पे 9 हटाना है और यहाँ 6 लगाना है, दोनों साइड 6 लगा दीजिए, कितना आ गया 2/3। यही आपसे पूछ रहा था। आपने देखा होगा यहाँ ये क्वेश्चन और इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। आप इस फॉर्मूला के बिना भी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 230 प्लस 4 tan, ये थीटा जो एंगल दिया हुआ डिग्री में है, माइनस 330 साइन के साथ 330 प्लस साइन 130 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, मैं छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं यहाँ पे आपको, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको ये पता करना है कि एंगल 180 से कितना ज्यादा है या फिर 180 से कितना कम है, या फिर 360 से कितना ज्यादा और 360 से कितना कम है। तो आप बताइए 180 से कितना ज्यादा है, जो ज्यादा और कम होगा वो कोशिश करना है कि 90 से छोटा रखें, मतलब या तो 180 प्लस 90 ना होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। तो हमें इसका जो प्लस में लिखना है, जैसे कि देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं 180 प्लस 50 आप इसको लिख सकते हैं। ये जो 50 है 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में। यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 360 प्लस 45, देखिए कितना है 45, 90 से छोटा है। ये 180 360 के मल्टीपल में आपको कोशिश कीजिए लिखने का। ये 360 माइनस कितना है 30, और ये कितना 180 माइनस 50। माइनस प्लस आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो माइनस प्लस के बाद आएगा जो चीजें, ये जो भी एंगल आएगा ये क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री और 0 से बड़ा। क्लियर? अब जो भी चीजें हैं देखिए कैसे लिखते हैं, जो भी चीजें हैं इसको साइन को साइन रहेगा, कोई साइन जैसे दिया, जो साइन है वो साइन रहेगा, जो टैन है वो टैन रहेगा, जो कॉस है वो कॉस रहेगा, कोई नहीं बदलने वाला है, सिर्फ बदलने वाला है साइन। आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, तो बोलेंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, इसका मतलब थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो आप इसको लिखेंगे माइनस साइन 50। जब आप द्वारा नोट करेंगे, देखिए मैं पहले बता दे रहा हूं इस तरह से, इसको आप जब द्वारा लिखेंगे तो साइन 50 लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 50 लिखेंगे और इसका पता करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में, वहां साइन प्लस तो प्लस, साइन नेगेटिव तो नेगेटिव, सबके साथ यही करेंगे। यहाँ प्लस है 4 tan, आपको तो ये पता है tan 360 प्लस कहां जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहां पॉजिटिव बताते पॉजिटिव रह जाएगा, साइन कुछ नहीं बदलेगा, और tan 45 क्या होता है 1, तो डायरेक्टली आपने 1 डाल दिया माइनस। यहां देखिए साइन क्या है 360 माइनस 30, तो ये साइन 30 तो होना ही है, इसको होना है कि नहीं। अब देखिए इसमें 360 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो कहेंगे तीसरा, जहां चौथा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव इसके लिए और लगेगा लगेगा। अब आते हैं इस पे,
यहां पे देखिए क्या लिखा है साइन 50। अब बताइए 180 माइनस 50 या 130 कहां था सेकंड में, वहां साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। एक बात और जो आपके दिमाग में भी घूम रही होगी शायद कि यहां पे प्लस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, आपको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस है तो भी हम 50 लिखेंगे, माइनस है तो भी हम 50 ही लिखेंगे, प्लस है तो भी 45 रहेगा, माइनस है तो भी 30 ही रहेगा। आपको माइनस प्लस सिर्फ ये डिसाइड करेगा ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और वो भी आगे लगेगा माइनस, एंगल हमेशा वही लगेगा जो आपने घटाया है या फिर एड किया है, उसका साइन प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटा है कि बढ़ा है, कितना घटा है कितना बढ़ा है वही एंगल यहां यूज होना है। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहां 4 + 1/2 कितना हो गया 9/2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 9/2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहे हैं। देखिए अभी एक फॉर्मूला का डिस्कस किया था मैंने कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपका क्वेश्चन में ये जब आप देख रहे होंगे तो आप इसको एक बार मुझे बताइए किसको, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, मतलब कोसेक माइनस कॉट की बात करेंगे तो हम 1 / कोसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं, या फिर कोसेक प्लस कॉट अगर दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 / कोसेक माइनस कॉट। यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपको बोल रहा है कि 2 दिया हुआ है और आपको साइन थीटा निकालने बोला है, तो आपको पता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया हुआ है, तो आप बताइए अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपसे पूछूंगा तो आप एक बार में बता देंगे सर 1/ ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 है, मतलब वैल्यू उलट देंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो माइनस वाले का हो जाएगा और माइनस वाले का दिया उसका उल्टा कर लेंगे तो प्लस वाले का हो जाएगा। अब देखिए साइन आपको निकालना है, आपको कोसेक बचा लेना क्योंकि इसी का उल्टा साइन होता है, सिर्फ जोड़ दीजिए कितना हो गया 2 cosec और इधर 5/2 हुआ कि नहीं। अब मुझे बताइए कोसेक कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 5/4, तो मैं बोलूंगा साइन तो आप कहेंगे 4/5। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपके सामने, करो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 + x माइनस कॉस 30 + x। देखिए क्वेश्चन एकदम छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये सिर्फ परेशान करने के लिए, बहुत सारे को दिमाग में आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसमें निकालना क्या, आप तो बता ही नहीं रहे हैं, किन्हीं के दिमाग में ये होगा कि शायद ये लिखना भूल गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये क्वेश्चन लग रहा होगा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज बताइए मुझे कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा या साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, अगर है तो इस फॉर्मूला का आपको एक चीज नोटिस किया होगा पॉइंट आपने कि ये जो एंगल होता है और ये एंगल होता है दोनों का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 90, ये जो एंगल होता है दोनों का सम कितना होता है 90, मतलब साइन को आप कॉस लिख सकते हैं, कॉस को आप साइन लिख सकते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए दोनों का एंगल का सम 90। अब देखिए यहां पे दोनों का एंगल का सम 90 है, थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माइनस है, तो आप देखेंगे कि x x कैंसिल आउट हो रहा है, 60 और 30 90 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर, दोनों कैंसिल आउट होकर रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर आपको ये इससे भी थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो आप बताइए 60 + x जो है इसको 90 से अगर माइनस हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 - 60 + x तो आप कहेंगे 30 - x मिलेगा, इसका मतलब आप इस एंगल को लिख सकते हैं 90 - 30 - x, 60 + x को आप लिख सकते हैं 90 - 30 - x,
और 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे कॉस थीटा, तो क्या हो गया कॉस 30 माइनस एक्स, और यही दिया हुआ है, तो कैंसिल आउट हो गया प्लस में माइनस में, रिजल्ट क्या हो गया जीरो। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं बिग फोर का सारा सॉल्यूशन। अब हम थोड़ा सा आपको 5 मिनट समय और लेंगे और बताएंगे कि आपको बिग फाइव के टारगेट में एलजेब्रा में क्या क्या चीज पे आपको नोटिस करना, फोकस करना है। बहुत इजी क्वेश्चन सीएचएसएल पूछ रहा है, तो अलजेब्रा का देखिए कौन कौन सा पार्ट आपको लेना है। सबसे पहले तो आपको अलजेब्रा में जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, एक और फॉर्मूला होता है फैक्टरिंग फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फैक्टर करने के लिए यूज होता है। ये ए प्लस बी का होल क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का प्लस में माइनस में, ए प्लस बी का क्यू है इसका प्लस माइनस, ए प्लस बी का स्क्वायर का प्लस माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। साथ में आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। इसको और भी फॉर्मेट है, यहाँ पे 1/2 करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। साथ में ये भी आपको याद रखने होंगे कि अगर ये पार्ट जीरो हो जाता है तो यहां से हम बोलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी होती है थ्री ए बी सी की बराबर। इसके बाद आता है आपको कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालने आना चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालने आना चाहिए, आपको एक्स क्यू निकालने आना है। तो ये जो इस टाइप के जितने सवाल होते हैं आपको ये भी कवर करने हैं। इसके बाद आपको कवर करने हैं, आपको दे दिया जाता है कि एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई बी एक्स बाई प्लस सी बाई स्क्वायर, और इधर दे देगा कि टू एक्स प्लस थ्री बाई का होल स्क्वायर। मैं ऐसे ही सिंपल दिया हूं, आपसे पूछ जाता है टू ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, तो आपको इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, ये चीजें भी आपसे क्वेश्चन में उठा रहा है। साथ में एक और पार्ट बनता है जहां पे आपको उठा रहा है क्वेश्चन, उसको आपको देखना है, जरूरी है। देखिए आपसे बोल देगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, तो आपको पूछेगा ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, आपसे बोल देगा कि ए बी सी की मिनिमम वैल्यू निकालिए, और बोल देगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दिया हुआ है आपसे। ये सिंपल सवाल हो गया, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या होगा, आपसे बोलेगा ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, और दिया हुआ रहेगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है जो 10 है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को भी देखना है, बाकी जो भी दिक्कत होगी वो मैं लेकर आऊंगा आपके साथ, और आप फाइल को डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट हो जाइए वीक 5 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन आपके पास है, तो आप जल्दी से सॉल्यूशन देंगे और हम 2-3 दिन में इसको कवर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। आप जल्दी से बनाना शुरू कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।